अगले साल की शुरुआत से भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण का टीका लगने की संभावना के बीच दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर तैयारी के संबंध में चर्चा हुई। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। इसमें स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी शिरकत की। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा था कि दिल्ली में सरकार ने टीके को रखने एवं उसे बांटने के लिए सभी तरह का प्रबंध कर लिया है, अब टीका आने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर को पहले चरण में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टीका आने का मतलब ये नहीं है कि वायरस का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों का पता लगाया जा रहा है। हम उन सभी यात्रियों की पहचान और जाँच शुरू कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को ब्रिटेन से आए यात्रियों में से 5 के संक्रमित के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जागरूक है और हम जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।